Hello friends, and welcome to this hot issue of the week. And today in this week we are going to discuss about the RBI's surplus reserves, which is currently in the news every day. Every day an article comes about that was this a good decision, or will it be going to help the economy slow down? So we will discuss all those things today. So basically, first of all, we will discuss what is the news around. So the news is that RBI has approved the transfer of record 1.76 lakh crore dividend and surplus reserves to the government. So RBI ने ये decide कर आया कि वो लोग जो है surplus 1.76 lakh crore की dividend और surplus reserves को government को transfer करेंगे, ताकि वो government जो है उसको अपने अभी economic slowdown जो है उसको fight करने के लिए use करें। इसके बारे में हम भी बात आगे करेंगे कि ये surplus वगैरह है क्या और कहाँ से आया, RBI के पैसा कहाँ से आता है। But ये जो news में इसलिए भी है, because ये जो recent transfer अभी किया गया है, that is in line with the recommendation of former RBI governor Bimal Jalan led panel. एक panel बनाई गई थी इसी काम को देखने के लिए कि what should be the size of capital reserve that the central bank should hold. मतलब कि अगर मान लीजिए इतने पैसे RBI कमा रही है, तो इसका कितना part जो है वो RBI अपने पास रखेगी as reserves, की कोई risk वगैरह या चीज करने के लिए जो भी काम है उसके लिए। तो ये पैनल बनाया गया था, और यही पैनल ने जो भी रिकमेंडेशन दिया था वही रिकमेंडेशन फॉलो करके जो आरबीआई ने डिसाइड करा है कि इतने पैसे वो सरकार को ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर इतने पैसे अभी आरबीआई के पास जो है वो कहाँ कहाँ से आए। तो आरबीआई का जो सोर्स ऑफ इनकम की बात यहाँ पे की, तो ये सारे हैं, और ये रिकॉर्ड इनकम का ईयर इसको बोला गया है। तो अगर आप देखें तो इंटरेस्ट, और ये कंपेरिजन 2017-18 और 18-19 के किया है इन लोगों ने। 17-18 में जो इंटरेस्ट से पैसे थे वो 73,871 थे, जो कि 18-19 में बढ़ के इतना हुआ, तो 44.62% का इंक्रीज। आफ्टर दैट डोमेस्टिक बॉन्ड होल्डिंग से जो इंटरेस्ट वगैरह, ये इंटरेस्ट जो भी है ये कहाँ कहाँ से आया वो बता रहे हैं कि जो इंटरेस्ट जितना भी आरबीआई ने कमाया है उसमें डोमेस्टिक बॉन्ड होल्डिंग के ऊपर ये इतना इंटरेस्ट मिला है 18-19 में। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF इसको बोलते हैं, ये बेसिकली वो फैसिलिटी है जो कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये वगैरह जो चीज़ें जो लोन प्रोवाइड कमर्शियल बैंक को आरबीआई करती है, तो उस पर जो इंटरेस्ट चेक कमाती है। LAF के बारे में डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी में बताएंगे आपको, तो उससे जो कमाई हुई है वो ये है। उसके बाद फॉरेन बॉन्ड से जो कमाई हुई है फिर वो ये है, फॉरेन डिपॉजिट जो है उससे ये है, और बाकी अदर इनकम जो आते हैं जिसमें कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन से गेन और लॉस या फिर रिटर्न बैक प्रोविजन जो होता है, ये इन सब में जितने इनकम है ये सब मिला के टोटल कितने हुए। तो ये सारी चीजें जो है आपको आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट 2019 में बताई गई कि जो इतना इनकम सरप्लस आया है वो कहाँ कहाँ से इनका आया है। और अगर इस तरह से आप देखेंगे तो जो लाइबिलिटीज है गवर्नमेंट की साइड पे, वो डिपॉजिट की जो लाइबिलिटी है वो इतनी है, कंटिजेंसी फंड की इतनी है, CGRA की इतनी है, नोट सर्कुलेशन में जो है उसकी इतनी है। ओके, और असेट जो है आरबीआई का, दैट इज गोल्ड क्वाइन और बुलियंस, वो बढ़ के इतना हो गया है इस साल 18-19 में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी FDI भी हमारा बढ़ के इतना हो गया है, और डोमेस्टिक बॉन्ड्स की अगर बात करें तो वो भी बढ़ के सब में इतना ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है इस साल, इसलिए इतना सरप्लस जो है आरबीआई के पास है। तो सरप्लस जम की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, 18-19 का ये इनकम और एक्सपेंडिचर है, 17-18 का था, तो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा इंक्रीज है, 1,75,991 ये सब करोड़ में, तो इतना सरप्लस इस बार है। और इसी में से जो है वो पैसे ट्रांसफर जो है वो गवर्नमेंट को किया जा रहा है। ओके, तो ये आपको आरबीआई का इनकम जो था स्प्रेडशीट मैंने बताया आपको कहाँ से आता है। अब इसके बैकग्राउंड में अगर जाने हम, तो हमने पैनल तो देख लिया, तो बेसिकली ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का जो पैनल बनाया गया था ये एड्रेस करना था आरबीआई के रिजर्व्स के इशू को, क्योंकि ये हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट रहा है किसके किसके बीच में, ये हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट रहा है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि आरबीआई को कितना पैसा नहीं रखना चाहिए, उन्हें हमें पैसे देने चाहिए ताकि हम फर्दर इसको पब्लिक एक्सपेंडिचर में खर्च कर सकते हैं और चाहे इकोनॉमी को पुश कर सकते हैं, इसके लिए ये पैनल बनाई गई थी। तो अब ये इशू है कि गवर्नमेंट ने इस सेंट्रल बैंक को कहा कि आप सरप्लस रिजर्व दीजिए, ठीक है, और ये फंड्स है वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है यूज़ करने के लिए, डेफिसिट को अपने टारगेट को यूज़ कर सकती है, कैपिटल
जो है अभी बैंक्स में, जैसे कि कोई बैंक है, मान लीजिए मैं अलाहाबाद बैंक का एग्जांपल अगर लेता हूँ, तो अलाहाबाद जो बैंक हुआ, तो उस अलाहाबाद बैंक का अगर एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊँ, तो इस बैंक में सपोज कि ये एनपीए क्राइसिस से जूझ रहा है, मतलब इसके पास पैसों की भी प्रॉब्लम है, इनके अकाउंट जो है वो बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, तो ऐसे वीक बैंक्स जो होंगे उसमें कैपिटल इंफ्यूज कर सकती है सरकार, इन पैसों से इनको पैसे देगी ताकि ये लोग रिकवर कर सके ये बैंक फर्दर। ये क्या करेंगे, जो बैंक से ये फर्दर फिर लेंडिंग करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, मनी सर्कुलेशन होगा इकॉनमी में, तो उस काम के लिए इस पैसों को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लोग लेंडिंग को बूस्ट करेंगे और वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी फंड कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है, तो बेसिकली ये वो फ्रेमवर्क है कि ये बताता है द रिस्क कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया व्हाइल टेकिंग इनटू अकाउंट डिफरेंट रिस्क, दैट इज सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट रिफ्लेक्ट्स द कैपिटल दैट एन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स और नीड्स। मतलब इतना बेसिक कैपिटल उस इंस्टीट्यूशन के पास होना चाहिए या उसको जरूरत है टू हेल्ड एज अ काउंटर अगेंस्ट अनफोर्सिन रिस्क और इवेंट्स और लॉसेज, ताकि अगर कोई अनदेखा सिचुएशन आ जाए या फिर कोई रिस्क आ जाए, कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कोई लॉस हो जाए फ्यूचर में, तो भी उससे टैकल करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी या रिस्क रिजॉल्व कैपिटल होना चाहिए उसी को इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बोलते हैं, उसी के लिए ये पैनल बनाया गया था। आगे देखिए, अगर इसमें चेंज की जरूरत क्यों थी, क्यों जो पहला वाला कैपिटल फ्रेमवर्क था उससे चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी, वो इसलिए था बिकॉज द एग्जिस्टिंग कैपिटल फ्रेमवर्क जो था दैट गवर्न द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई एंड टर्म्स फॉर ट्रांसफॉर्मेबिलिटी इज बेस्ड ऑन अ कंजर्वेटिव असेसमेंट। मतलब कि जो सेंट्रल बैंक का रिस्क है उसका कंजर्वेटिव असेसमेंट पे वो बेस्ड था, और इसका रिव्यू विल रिजल्ट इन एक्सेस कैपिटल बीइंग फ्रीड। मतलब कि कंजर्वेटिव इन द सेंस कि अगर आपको मान लीजिए 50 करोड़ रुपये की जरूरत है, 50 करोड़ में भी आपका जो वो रिस्क अवॉइड हो सकता था, लेकिन चूंकि कंजर्वेटिव अप्रोच था तो 50 करोड़ की जगह आरबीआई 100 करोड़ भी अपने पास रखे रहती थी कि कहीं ना हो पाया 50 करोड़ से, तो बट 50 करोड़ वॉज ऑलरेडी सफिशियंट। तो इससे क्या होता है, ये रिव्यू जो किया गया है इससे एक्सेस कैपिटल जो है वो मार्केट में आराम से रिलीज किया जा सकता है, तो आरबीआई इसको गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी और गवर्नमेंट इसको रिलीज करेगी। अगेन गवर्नमेंट ये भी सोच रही थी कि जो आरबीआई है वो करेंटली बहुत ज़्यादा हायर रिजर्व पर बैठी हुई है और इट नीड्स टू टाइड ओवर फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इंडिया में फेस। तो इंडिया अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइप ऑफ सिचुएशन में चली जाएगी तो कहीं ना कहीं आरबीआई को भी तो ये चीज़ देखना होगा, तो आरबीआई का जो रिजर्व है अगर अभी वो उसको कम करके सरकार को पैसे दे दे और वो उसे यूज़ कर सके इम्प्रूवमेंट के लिए, दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर बोथ आरबीआई एज वेल एज गवर्नमेंट। उसके अलावा कुछ आर्ग्यूमेंट ये था कि जो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स हैं तो उनका जो रिजर्व है दे आर रिजर्व एट 13-14% ऑफ देयर टोटल असेट्स, बट इंडिया केस में आरबीआई का जो था वो 27% था अभी, तो वो भी एक आर्ग्यूमेंट था। और पहले भी ऐसा इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू किया हुआ है कि एक्स्ट्रा कैपिटल जो है उसको प्रोडक्टिव यूज़ के लिए गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, जैसे कि मालेगांव कमेटी बनाई गई थी 2013 में, उसने भी 1.49 लाख करोड़ सरप्लस जो था वो एक्सेस जो था वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने की बात की थी, तो ये नया कुछ ऐसा है नहीं। तो ये सारी जो थी ये ज़रूरतें थी कि इसको बनाने का दोबारे से। अब ये जो अरेंजमेंट है आरबीआई और गवर्नमेंट का, उसका नेचर ऑफ अरेंजमेंट क्या है, तो बेसिकली आरबीआई एक्चुअली वॉज प्रोमोटेड एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक इन 1935 जब ये बना था, उस टाइम पे इसकी पेडर कैपिटल सिर्फ 5 करोड़ थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर दिया जनवरी 1949 में। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट आरबीआई वॉज नेशनलाइज इन जनवरी 1949, तो गवर्नमेंट इसका ओनर बन गया साथ ही में। तो अब आरबीआई जो क्या करती है, देयरफॉर इट ट्रांसफर्स द सरप्लस, जो भी इसका सरप्लस था, चूंकि क्या हुआ है इनका ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, जो भी इसके सरप्लस होंगे दे विल ट्रांसफर इट टू द गवर्नमेंट, और ये किस अकॉर्डेंस में, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 47 अलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो 1934 में जो आरबीआई एक्ट आया था जिससे आरबीआई बनी थी, उसका सेक्शन 47 में ऑलरेडी ये सरप्लस जो होगा वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने की बात ऑलरेडी लिखी हुई। उसके अकॉर्डिंगली जो है ये गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में जो मनी फंड ट्रांसफर होता है ये आरबीआई करती है गवर्नमेंट को। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि डज द आरबीआई पे टैक्स ऑन दीज अर्निंग्स और प्रॉफिट्स, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई टैक्स आरबीआई को नहीं पे करना होता, बिकॉज इसका जो लॉ है इट प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स और एनी अदर टैक्स इंक्लूडिंग वेल्थ टैक्स।
though wealth tax already 2015 mein wealth tax was discontinued from whole country only. Okay, but RBI को पहले भी वेल टैक्स नहीं देना पड़ता था, साथ में इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता, तो ये एक एग्जेम्पशन ऑलरेडी स्टैट्यूट यानी कि लॉ में प्रोवाइडेड है. ओके, तो ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है लॉ में, तो इसके कारण आरबीआई जो है दे वर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्स बर्डन. अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि आरबीआई को आखिर एक्सेस रिजर्व चाहिए क्यों? तो उसका ये जवाब है कि आरबीआई नीड्स दिस एडिक्वेट कैपिटल रिजर्व फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस. तो मॉनेटरी पॉलिसी और ऑपरेशंस के बारे में हम बात करें, ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में. बट मॉनेटरी पॉलिसी के में क्या क्या आएगा, जैसे कि आप एक वर्ड सुने होंगे रेपो रेट. तो रेपो रेट वो रेट है जिसमें कि इस रेट पे आरबीआई जो है वो सरकारी सॉरी कॉमर्शियल बैंक्स को कॉमर्शियल बैंक्स इनको जो है वो पैसे देती है, दैट दे लेंड मनी इस रेट पे. तो अब आरबीआई के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो बैंक्स को क्या प्रोवाइड करेगी, लोन कैसे प्रोवाइड करेगी? और फिर बैंक्स के पास पैसे नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि अगर बैंक्स के पास ही पैसे नहीं होंगे तो फिर बैंक जो है वो कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दे पाएगी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इससे फिर इकोनॉमी जो है उसमें ग्रोथ कैसे आएगा? तो आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सर्कुलेशन ऑफ मनी या सर्कुलेशन ऑफ लिक्विडिटी. सर्कुलेशन जो इन कंट्री इकोनॉमी में होता है वो आरबीआई का एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है. करेंसी फ्लक्चुएशन, अगर करेंसी फ्लक्चुएट कर रही है बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 72 रुपीज़ के आसपास पहुंच गई थी रुपीज़ डॉलर के कंपैरिजन में, तो उस केस में भी जो करेंसी फ्लक्चुएशन होता है तो इसको भी हैंडल करने के लिए, क्योंकि अगर आरबीआई के पास रिजर्व्स होंगे एक्स्ट्रा रिजर्व्स, जैसे कि मान लीजिए फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर और किसी करेंसी में, या फिर आपको गोल्ड बुलियंस अगर नहीं होगी आरबीआई के पास, तो इट विल लीड टू करेंसी फ्लक्चुएशन में कंट्रोल फिर नहीं कर पाएगी आरबीआई. फिर अगर मान लीजिए जो बॉन्ड इनके पास है उनमें फॉल हो जाए उनके वैल्यू में, ज़रूरी तो नहीं है कि बॉन्ड हमेशा गेन ही प्रोवाइड करे, अगर उनके वैल्यू में गिरावट आ जाए तो फिर आरबीआई के पास तो रिजर्व होना चाहिए ताकि ये लोग फिर पे बैक कर सकें. ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब सेइंग एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है दैट इज सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इसके लिए भी पैसे चाहिए. मान लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर खरीद रही है, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई खरीदेगी तो दे विल पे समथिंग, पैसे देगी तभी तो उनको सिक्योरिटी मिलेगा, तो उनके पास पैसे होने चाहिए रिजर्व ताकि वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी काम कर सकते. अगेन क्रेडिट रिस्क को अगर लास्ट रिसोर्ट फंक्शन में लेंडर को प्रॉब्लम होती है या फिर अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर हो जाता है तो क्रेडिट रिस्क को भी अवॉइड करने के लिए आरबीआई को रिजर्व की जरूरत होती है. और आरबीआई हैज आल्सो मेंटेन्ड द व्यू दैट इट नीड्स टू हैव अ स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट टू डील विद अ पॉसिबल क्राइसिस एंड एक्सटर्नल शॉक. तो कभी एक्सटर्नल शॉक भी होगा, जैसे कि आपको एक फेमस एग्जांपल अगर मैं 2009 फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुई थी स्टार्टेड फ्रॉम यूएस, रिसेशन हुआ था ग्लोबल, बट इस वाले क्राइसिस से इंडिया वॉज नॉट, इंडिया में कोई इफेक्ट इसका देखा नहीं गया खास. इसका कारण एक ये भी था कि आरबीआई वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल दिस. आरबीआई जो था वो एक स्ट्रॉन्ग इनफ था ऐसे क्राइसिस को, ऐसे ग्लोबल स्लोडाउन को भी टैकल करने के लिए. तो आरबीआई का रिजर्व अगर स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होगी, तो इट विल ऑटोमेटिकली विल बी वेरी इजी फॉर आरबीआई कि इनके चीज को जो है वो अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं आ पाए, तो उसके कारण भी आरबीआई का जो है वो स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट की जरूरत होती है. तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई आज इस इशू के बारे में जो भी इशू चल रहा है कि आरबीआई का जो सरप्लस रिजर्व है. तो हमने पहले देखा कि ये न्यूज में क्यों था, फिर हमने देखा कि आखिर इतने पैसे इन पर आरबीआई को किस किस एरिया से मिले हैं वो हमने देख लिया. उसके बाद हमने बैकग्राउंड देखा कि जो कैपिटल फ्रेमवर्क बनाया गया आखिर वो क्यों बनाया गया, और बनाया गया तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता क्या है,
आखिर इसके इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो था ये था क्यों और इसको जरूरत क्यों थी दोबारा से चेंज करने की, वो हमने चार फैक्टर्स देखे कि क्यों इसको दोबारा से चेंज करने की जरूरत पड़ी आरबीआई को। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमने देखा कि जो अरेंजमेंट है गवर्नमेंट और आरबीआई में ट्रांसफर का रिलेटेड वो कैसे है, तो इसमें हमने ये देखा कि इट गेट्स इट बैकिंग फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई एक्ट 1934 का जो है उससे इसको बैकिंग मिल रही है और इसका जो मेन है वो है सेक्शन 47 जो कहता है कि सरप्लस को आपको ट्रांसफर करना है। 34 में ये प्राइवेट एंटिटी की तरह थी, प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक थी, बट 49 में जब से नेशनलाइज हुआ तो चूंकि गवर्नमेंट इसको ओन कर रही है तो उनको सरप्लस ट्रांसफर करना है गवर्नमेंट को। आरबीआई एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बर्डन, आपको ये पता है, और लास्ट में आरबीआई को रिजर्व क्यों चाहिए थी तो वो अभी हमने अभी देखा कि आरबीआई नीड्स रिजर्व टू मीट सम कंडीशंस, वो हमने देख लिया। तो आज के हमने और इशू में देख लिया आरबीआई का रिजर्व, तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको अगर आएंगे एग्जाम में, आइदर प्रीलिम्स से क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर मेन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है। तो कोई भी प्री के या मेन से क्वेश्चन हम इसमें नहीं मिस करेंगे इस टॉपिक से। और अभी भी अगर इसके बाद आपको कोई भी अगर आपको डाउट होता है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस न्यूज़ और दिस कंसेप्ट, अगर कल न्यूज़ में कुछ आता है और आपको समझ में नहीं आएगा कल की न्यूज़पेपर में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए बिना किसी हेजिटेशन के। हमारी ईमेल आई डी है upscuran@gmail.com। तो इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है upscuran discussion, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उस पर हमसे पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज फ्राइडे का जो इशू ऑफ द वीक, हम एक्सप्लेन करते हैं हर वीक, तो उसमें आज का इशू ये था। तो हमने अभी तक दो हफ्ते में दो इशू कवर किए हैं, पहला हमारा NRC था, इस बार हमने RBI सरप्लस पढ़ा, फिर नेक्स्ट वीक जो भी न्यूज़ में चल रही होगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम उसको कवर करेंगे। और आज ही अभी 9 बजे आपको आज का जो सेकंड सेगमेंट है दैट इज न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो हम 9 बजे डाल देंगे अपने चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वी विल सी यू एट 9 o'clock। गुड बाय।